आज के हमारे स्टूडियो का टॉपिक है व्हाट इज बस कपलर इन इलेक्ट्रिकल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल में बस कपलर क्या होता है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपने बस कपलर का नाम जरूर से सुना होगा। इसके अलावा यह बस कपलर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इससे जुड़े सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस कपलर से जुड़ी जानकारी दूंगा और साथ साथ आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सभी को यह पता होना चाहिए कि आखिर बस कपलर का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। आपको इसमें दिख रहा है बस, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं बस बार, ये बस जो बताती है, ये बस का मतलब यही है बस बार। और कपलर का मतलब होता है दो चीजों को कपल करना, मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारे इलेक्ट्रिकल के जितने भी पैनल होते हैं उन पैनल के अंदर हम वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं बस बार का। आखिर हम बस बार का ही उपयोग क्यों करते हैं, इसके अलावा बस बार हमको कितनी साइज की कब लगानी चाहिए, यह सब अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो इसके ऊपर हम अलग वीडियो के अंदर बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर दोस्तों अभी सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के पैनल होते हैं उसके अंदर हमारे बस बार का उपयोग किया जाता है। अब हमारी जो दो बस बार होती है उन दोनों बस बार को आपस में जोड़ने का काम हमारा बस कपलर करता है। अब ये किस जगह लगाया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों सेकंड हम यह जान लेते हैं कि आखिर बस कपलर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपकी कंपनी के अंदर आपने इस प्रकार के पैनल जरूर देखे होंगे। अब दोस्तों हमारे जो पैनल होते हैं ये पैनल हमारे सबसे पहले इसमें जो इनकमिंग लाइन आती है वो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही होती है। अब दोस्तों किसी किसी कंपनी के अंदर क्या होता है, हमारे दो ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं, ये नंबर वन ट्रांसफार्मर और यह है नंबर टू ट्रांसफार्मर। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा हमारी कंपनी के अंदर डीजी सेट और एक साथ में ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है और इन दोनों के बीच में भी हमारे कई बार बस कपलर को लगाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तीन ऐसे मुख्य पॉइंट बताऊंगा जहां पे बस कपलर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम ने देखा होगा कि हमारा एक डीजी सेट है और एक हमारा है ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो अधिकतर टाइम में हम जो हमारे कंपनी के अंदर जो लोड को चलाते हैं वो हम किस पे चलाते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर पे चलाते हैं। पर जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर की लाइन कट जाती है, हमारे गवर्नमेंट से जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई जैसे ही कट जाती है, तो हम क्या करते हैं हमारे डीजी पे वो जो ट्रांसफार्मर जितना लोड कनेक्ट था वो पूरा का पूरा लोड अब हम डीजी से जोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चीज को पूरा करने के लिए हम बस कपलर का उपयोग लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक ये हमारी बस बार है RYB की और ये दूसरी हमारी बस बार है RYB की, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये RYB है और इधर भी ये हमारे RYB, तीनों फेज है। अब दोस्तों यह जो हमारी बस बार है ये हमारे ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है, मतलब हमारे इनकमिंग में जो आ रही है ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है और इधर से हमने इस पे पूरे पे लोड जोड़ रखा है। तो हमारा एक तरह से इस बस बार पे हमारा पूरे कंपनी का लोड जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट जाती है तो हमारा जो लोड है ये लोड तो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है क्योंकि इसमें बस बार में सप्लाई ही नहीं है। तो दोस्तों इस समय हम क्या करते हैं, हमारी जो दूसरी बस बार है जो कि डीजी की बस बार है इसमें हम सप्लाई को लाते हैं डीजी को स्टार्ट करके। अब डीजी को जैसे स्टार्ट किया जाता है इसमें सप्लाई जाती है, तो उस सप्लाई को ये जो दूसरी बस बार के अंदर जो सप्लाई है इस बस बार की सप्लाई को हमको फर्स्ट बस बार में कनेक्ट करना होता है तभी हम हमारे लोड को जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों इसके बीच में ही कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे उपयोग में ले लेते हैं बस कपलर का। दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि पुराने समय के अंदर हमारे जो बस कपलर आते थे वो आप सभी ने देखे होंगे, वो हैंडल वाले होते थे। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे हमारा मॉड्यूल केस है। उस समय क्या होता था, उस समय हमारा एक हैंडल होता था, जैसे आपको ये दिख रहा है हैंडल, इस तरीके से एक बड़ा हैंडल होता था, उसको हमको घुमा के उससे स्विच करके हमको बस कपलर को चेंज करनी होती थी, मतलब दो बस को जोड़ना होता था। पर आज के समय हमारा सारा का सारा काम एक बटन दबाने से ही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम एक और पॉइंट देख लेते हैं जहाँ पे बस कपलर का उपयोग किया जाता है, फिर बाद में हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर आएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि किसी किसी कंपनी के ना हम दो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो हमारा जैसे हम मान लेते हैं हमारा एनी टाइम जो लोड है वो लोड ट्रांसफार्मर नंबर वन पे चल रहा है, पर अब कुछ समय के बाद में हमारे ट्रांसफार्मर पे कुछ मेंटेनेंस आ गया या किसी भी कारणवश हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टॉप हमें करना पड़ गया, मतलब बंद करना पड़ गया। तो अब हमारा जो लोड है वो लोड हमको ट्रांसफार्मर नंबर दो से कनेक्ट कराना है। तो जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर है हमारे ट्रांसफार्मर नंबर वन का और ये दूसरा ब्रेकर है ये हमारा है ट्रांसफार्मर नंबर टू का। तो अभी हमारा जो भी लोड चल रहा है वो पूरा इसी ट्रांसफार्मर पे चल रहा है, इसी ब्रेकर पे चल रहा है। पर अब हमको क्या करना है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को हमको बंद करना है। तो अब अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारा जितना भी ये पूरा लोड है ये पूरा लोड भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, हमारे नुकसान ना हो, इसी चीज के लिए हम यहाँ पे बीच के अंदर एक बस कपलर को लगा देते हैं। अब ये बस कपलर क्या करता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर नंबर दो की बस बार है जो इस पैनल के अंदर कनेक्ट है उस दो नंबर बस बार को हमारे इस ट्रांसफार्मर नंबर एक की बस बार से लाके जोड़ देता है, आपस में कपल कर देता है। तो यही काम हमारे इस बस कपलर का होता है।
अब दोस्तों नेक्स्ट हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आपसे यह सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है। दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ आसान सी यह लाइन बोलनी है, बस कपलर इज ए डिवाइस इज यूज टू कपल वन बस टू अदर बस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस कपलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक बस को दूसरी बस से आपस में कपल करना मतलब कि जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट यह है कि यह जो बस कपलर है ये विदाउट एनी इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई एंड विदाउट क्रिएटिंग आर्क्स, मतलब कि हमारा जो बस कपलर दोनों बस को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कोई भी इंटरप्शन नहीं देता है मतलब पावर सप्लाई के अंदर कोई भी रुकावट नहीं देता है। जैसा कि मैं आपको बताना वापस से चाहता हूँ कि हमारे जो आज के समय इतने एडवांस बस कपलर आ गए हैं कि जैसे कि ये हमारी नंबर वन सप्लाई और ये हमारी नंबर टू सप्लाई है, तो अगर मेरी नंबर वन सप्लाई कट हो गई और मेरा यहाँ पे नंबर वन सप्लाई पे ही लोड जुड़ा हुआ था तो क्या होगा दोस्तों, हमारी जो नंबर टू की सप्लाई है वो बस कपलर नंबर दो की सप्लाई को नंबर वन पे जोड़ देगा और इतना फटाफट करेगा कि हमारी जो लोड है वो लोड बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बस कपलर का काम यही होता है कि इंटरप्शन बिल्कुल भी नहीं देता है पावर सप्लाई के अंदर, साथ साथ हमारा कोई भी आर्क भी जनरेट नहीं होता है, तो यही हमारा मुख्य काम होता है बस कपलर का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।